ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायोऽह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भक्ति का वैशिष्ट्य के बारे में हम देख रहे हैं। और पिछले क्लास हमने पढ़ा था सूत्र नंबर 58, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। भक्ति का एक विशेषता क्या है? अन्यस्मात् मतलब दूसरे सभी प्रकार के साधनों से भक्ति में सौलभ्यम मतलब सुलभता है। सौलभ्य मतलब सुलभ से जो मिलता है, लाभ होता है जिसका, सुलभ से सौलभ्यम। भक्ति जब हम दूसरे मार्ग से, दूसरे मार्ग कौन सा है हम जानते हैं, चार है। भक्ति साधना जो भी है, भगवत साधना, उसको हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे आध्यात्मिक संस्कृति में चार भाग किए हैं। उसमें चार योग कहते हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। और इन चारों में जब आप तुलना करोगे, भक्ति जो है सुलभ से मतलब साधना करने में सुलभ है, ये बात हम नारद जी कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने ये भी चर्चा की थी, जैसे जब वेदांत साधना, ज्ञान मार्ग में साधना करना चाहते हो, तब अधिकारी का बात आ जाती है, क्या तुम साधन चतुष्टय है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहामुत्र फलभोग विराग, ऐसे मतलब कई ये हैं। और वैसे ही जब राजयोग साधना करना चाहते हो, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब का जरूरत पड़ता है। पहले ये क्वालिफिकेशन होने से फिर ध्यान, निधि, समाधि, ये सब आपको हो सकता है, ध्यान कर सकते हो, धारणा, ध्यान, समाधि। इसलिए वहाँ पर योग्यता की बात आती है। लेकिन जब भक्ति मार्ग में हम जाते हैं, उसमें आपका योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए नहीं पूछते। भगवान से प्यार करते हो, बस इतना सा, भगवान से लगाव है या नहीं, इतना सा, ये भक्ति मार्ग का विशेषता है, ये भी बताया उन्होंने। जैसे और तो उसके बाद कर्म मार्ग में जब जाओगे, वहां पर क्या, तब आपको तंदुरुस्त होना चाहिए शरीर, क्योंकि काम करना है आपको। ये सब बातें जब आ जाती हैं दूसरे योग में, जब हम साधना करते हैं, लेकिन भक्ति में इसका जरूरत नहीं है। भक्ति में मतलब ये क्वालिफिकेशन जो है, इसकी बात आती नहीं है। एक दूसरा है, हमने ये भी देखा है, मतलब आपका कौन से कुल में जन्म हुआ है आपका, और कितने आप पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में भी नहीं पूछते। क्योंकि जब भक्तों के बारे में हम देखते हैं, हर एक कुल का भक्त हुए हैं भगवान के, भगवान ने भक्त हैं वो अलग है। मैंने ये भी बताया था आपको, जब शारदा माँ जेरावटी में रहती थी, उस समय जो भी भक्त उनसे देखने के लिए आते थे, वो गांव था जेरावटी, गांव में लोग क्या करते थे, लोग हर एक को ना उनका जात है ना उसके बारे में ये करते हैं, गांव में जब जाते हो और चर्चा कर रहे हैं। कोई भक्त गए हैं कलकत्ता से माँ से मिलने के लिए, फिर वो गांव वाले बातें कर रहे हैं, किसी ने पूछा ये कौन से जात का है, फिर दूसरे ने कहा अरे तुम नहीं जानते हो, ये माँ के भक्त हैं। मतलब भक्त का एक ये है, मतलब कोई कोई जात पात का कोई नहीं, भक्त है।
बस इतना सा। इसलिए भक्त के लिए ये सब जो है ना, ये क्वालिफिकेशन है, ये कुल या विद्या, इसके बाद कोई ये नहीं होता है, मायने नहीं रखता है। इसलिए भक्ति को सौलभ्य कहते हैं। और एक मतलब जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया एस्पेक्ट जो है, उसके बारे में थोड़ा आज विचार करेंगे। सौलभ्य मतलब भक्ति जो है ना, ये सब हमें भक्ति मार्ग में जाने के लिए जो बातें हैं इसके बारे में बताया। और दूसरा एक है भक्ति मार्ग में जो उपाय जो है, अलग अलग उपाय है। जब हम कर्मयोग में साधना करना चाहते चाहेंगे, निष्काम भाव से काम करना होगा, जो भी काम करते हो निष्काम भाव से। देखिए जो कम कोई काम करना चाहते हैं, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपिन प्रवर्तते, संस्कृत में एक बात ही है, मतलब कोई एक प्रयोजन न हो ऐसे काम क्यों करेंगे। इसलिए निष्काम भाव से काम करना बोलने के लिए तो आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी हम करना चाहते हैं, मन तो पूछता है तुम्हें क्या प्रयोजन है इससे। इसलिए निष्काम भाव से करना उतना आसान नहीं है। और कम कर्म उस वही एक मार्ग है उसमें। और दूसरा मार्ग क्या है कर्मयोग में, भगवद अर्पण बुद्धिया, भगवान को अर्पण कर रहे हो, काम करेंगे और उसको भगवान को समर्पण करें, कृष्णार्पणमस्तु रामकृष्णार्पणमस्तु, ये भी है। और ये भी उतना आसान नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ है ना पाने की इच्छा होती है, कम काम करते रहते हैं और उसके बाद वो ठीक होगा या नहीं, और ठीक से होने से अच्छा लगता है, ठीक से नहीं हुआ वो मतलब उसका जो भी नतीजा हम चाहते थे वो नहीं मिला, तब दुख हो जाता है। और ये मार्ग में सिर्फ ये दो ही है, और उसमें साधक बाधक ये सब है। और उसके बाद जब हम ये ज्ञान योग में जाएंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, वहाँ साधना करने का तरीका क्या है, श्रवण शास्त्र से और गुरुवाक्य है ना, उसको श्रवण करो, सुनो पहले, और उसके बाद उसका मनन करो। मनन करो मतलब समझो उसको ठीक तरीके से, और उसके बाद निधिध्यासन उसके ऊपर ध्यान करो। यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। और राजयोग में जब जाएंगे सिर्फ एक ही तरीका है, वहाँ पे भी क्या है, धारणा ध्यान समाधि। पहले मन को उनके ऊपर ये करो, फिक्स करो भगवान को, धारणा करो, आपका जो ध्यान वस्तु पर उसको लगाने के लिए कोशिश करो, और उसके बाद ध्यान करो। जब आप लगा सकते हो कुछ समय के लिए, उसको ध्यान कहते हैं, और उसके बाद समाधि का अनुभव होगा। यही एक मार्ग हुआ। लेकिन जब भक्ति में जाते हो उसमें अलग अलग तरीका है। वैसे तो हम जानते हैं जो कोई भक्त हैं मंदिर में जाके बैठ के भगवान से मौन बैठ के वहाँ प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान को निहारते रहते हैं। हम तो देखे हैं यहाँ पे मंदिर में आके बैठ के ना, कभी कभी कोई कोई आके बैठ के एक घंटा दो घंटा निहारते रहते हैं, और कुछ भजन करते हैं या जप करते हैं बैठ के, और उसके बाद कुछ नहीं, ललिता सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम पारायण करो, स्तोत्र पाठ करो, और वो कुछ भी नहीं, फिर रामकृष्ण वचनामृत पठन करो, रामायण पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भगवान की लीला के बारे में भागवत पढ़ो, है ना। ये सब अलग अलग ही है ना, ये भक्ति मार्ग में लभ्य है। मतलब एक इसमें मन नहीं लगा और दूसरे पकड़ो, इसमें मन नहीं लगा उसमें पकड़ो, कहीं ना कहीं। अथ केनाप्युपाये न मन कृष्णे निवेशयेत, कोई एक उपाय से मन को भगवान के चरण कमलों में रखो, ये भक्ति मार्ग हमें बोलता है। उतना एक ना वो फ्रीडम जो है उसमें मिलता है। भागवत में इसके बारे में एक श्लोक है, वो श्लोक क्या है, श्लोक ऐसा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति बोलते हैं इसको। भक्ति में नौ तरीके, भक्ति साधना में कैसे करो, उसमें पहले श्रवणम, स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं भगवान की लीला में, सुनो उसको, भगवद गीता प्रवचन कर रहे हैं सुनो, श्रवणम उसको श्रवण कहते हैं, सुनना उसको। श्रवण मतलब
ये नहीं मतलब बैठ गए एक घंटा हो गया मतलब सत्संग हो गया अटेंड कर दिया चला गया, ऐसा नहीं। विथ अटेंशन उसको ठीक ठीक तरीके से ढंग से सुनना एकाग्र मन से, क्योंकि जब मन एकाग्र नहीं होता ना उसका तरीका और दूसरे निकलता है, क्योंकि समझ है ना हमारा समझ में ठीक से नहीं आता है, गलत समझ लेते हैं। इसलिए एकाग्र मन से सुनना जो है उसको श्रवण कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम, ठीक है भजन करो कीर्तन करो भगवान की, कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। अच्छा ये दोनों नहीं हो पाएगा, ठीक है गाड़ी में कहीं जा रहे हैं उस समय तो कोई श्रवण नहीं भी होता और कीर्तन भी नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? स्मरणम, मन से स्मरण तो कर सकते हैं बैठ के, ऐसे स्मरण करो मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है उसको स्मरण करो। जैसे मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना ट्रेन में या कहीं शाम हो गया, अब आरती तो वहाँ नहीं होती है, ट्रेन में ट्रैवल करना कैसे करना, आंखें बंद कर लो आज जैसे बेलूरमठ पे बैठा हूँ और वहाँ पर साधु सब मिल गए, चार पाँच सौ साधु बैठ के श्री रामकृष्ण के आरती हो रहा है, खंडन भव बंधन सुनते रहो, क्योंकि सुना उसका फिर स्मरण करो, उसका स्मरणम भगवान के स्मरण करो, भगवान की लीला के स्मरण करो, और उसके बाद पाद सेवनम उनकी सेवा करो भगवान की, मंदिर में जाकर सेवा करो नहीं तो भगवान के भक्तों की सेवा करो। ये हुआ पाद सेवनम, और एक तरीका हुआ श्रवण हुआ कीर्तन हुआ स्मरण हुआ और उसके बाद पाद सेवन हुआ, और उसके बाद अर्चनम पूजा करो भगवान की पूजा करो अर्चनम, और भी एक तरीका है। ये सब पे मन नहीं लगा ठीक है भगवान के पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए फिर वो पहले परिष्कार करना होगा पूजा मंदिर, और उसके बाद वहाँ पे वो फूल और वो सब ये सजाएंगे उसमें हुआ, और उसके बाद मंत्र बोल के ये करेंगे, बिना मंत्र से भी हम नहीं निवेदन कर सकते हैं भगवान को, फूल चढ़ाएंगे फल चढ़ाएंगे भोग निवेदन करेंगे, ये सब हुआ अर्चनम। और उसके बाद वंदनम नमस्कार करना, मन ही मन है ना भगवान को नमस्कार करते रहना, नमस्कार वंदनम। और उसके बाद दास्यम, जो भी काम करते हैं मैं उनकी दास भगवान का सेवक हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी सेवा है, जो भी काम करते हो मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से अपने कर्तव्य सब करो दास्यम। उसके बाद सख्यम, भगवान से फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैसे होता है? स्वामी रंगनाथन जी थे बहुत अच्छे वक्ता थे, और बहुत सारे लोगों को बिजनेसमैन को कहते थे देखो तुम जब बिजनेस करते हो ना भगवान को अपने पार्टनर बनाओ। जब भगवान को पार्टनर बनाओगे क्या होता है, पहले आपको नियम के हिसाब से करना पड़ेगा, और दूसरा है जो भी जितना भी प्रॉफिट आए ना उसमें एक परसेंटेज भगवान के भक्तों के सेवा में लगाना पड़ता है आपको। अपने पार्टनर बनाओ, वो भी हो गया भगवान की सेवा हो गया भगवान के स्मरण हो गया सख्यम, भगवान से है ना पार्टनरशिप जब करके करते हो सख्यम हो गया। और उसके बाद आत्मनिवेदनम, और एक तरीका है ठीक है हे परमात्मा मैं तुम्हारा हूं, मेरा जो भी है तुम्हारा है, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है, इसलिए मैं सब कुछ आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं जो भी काम करता हूं वो आपका है, जो भी बोलता हूं आपके लिए है। आत्मनिवेदनम संपूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के हवाला कर देना, शरणागति है ना। ये नौ तरीके हुए साधना करने में, देखिए कितने मतलब, क्योंकि हम जानते हैं जब बैठते हैं जप करने के लिए कभी कभी जप हो जाता है कभी कभी नहीं हो जाता है, मन सुनता नहीं तब क्या करें, फिर कीर्तन करो, कीर्तन करो वो भी नहीं हुआ, फिर श्रवण करो और वो भी नहीं हुआ, सेवा करो कुछ ना कुछ है ना। इसी अलग अलग तरीका जो है नौ तरीके जो बताए हैं भगवान की आराधना करने का तरीका हो गया, एक में मन नहीं लगा दूसरे में लगाएंगे मन को, इसलिए ये भक्ति है ना उसका जो सौलभ्य ये है अन्यस्मात सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति मार्ग में ये एक बहुत सुंदर एक ये प्रावधान है, इसीलिए कहते हैं मतलब भक्ति का विशिष्टता है, भक्ति का विशिष्टता है। यह सब तरीके से हम भगवान के आराधना कर सकते हैं, दूसरे कोई मार्ग में यह सब तरीके नहीं है,
वहां एक या दो तरीके हैं, उसी में करना पड़ता है आपको। जब आप जाते हैं ना दूसरे जो धर्म जो बाहर से आए हैं वो सब धर्म, उसमें वैसा ही सभी को एक ही तरीके से करना होगा। आपको ऐसा ही प्रार्थना करना होगा और वही जाके प्रार्थना करना होगा। ये सब तरीके हैं हर एक को। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, मतलब एक साइज का कोट तैयार किया सभी को पहनना होगा उसको, है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, हर एक का जो साइज है ना उसके अनुसार अपने अपने कोट मिल जाएगा। देखिए कितना मतलब भाव कितना सुंदर है। इसलिए नारद जी कहते हैं भक्ति जो है, भक्ति में सुलभता इसीलिए है कि सभी एक तरीके ना उसको नहीं करते। भगवान के भक्त मतलब सिर्फ सभी जाएंगे मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं। अपने कोई मंदिर में नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने घर में बैठ के भगवान के स्मरण करते रहेंगे, वो भी भगवान के भक्त है। कोई कीर्तन करते हैं वो भी भगवान के भक्त है। कोई एक मंदिर में कोई एक है ना वो जाके वहां पर उनका एक कर्तव्य होता है, कुछ भी नहीं मानो जो मंदिर में आते हैं वो चप्पल रखते हैं उसको ठीक से सजा के रखना, वो भी भक्त है भगवान के। सच्चे मन से जब करेगा वो भी भगवान के भक्त है। थोड़ा देखिए कितना मतलब सुंदर भाव है। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग जो है ना, इसीलिए ये सुलभ होता है। श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर बातें कहते हैं इसके ना। भक्ति जो है, भक्ति किसी तरीके से आप करो, भगवान तृप्त होके आपको जो भी जरूरत है उसको देंगे। जब आप दूसरे मार्ग में जब जाएंगे ना, भक्ति उसमें मतलब योग में जब जाएंगे, एक आपको निश्चित ये है, मतलब ये पाना है, ये बात रहता है। जैसे आप योग मार्ग में जाएंगे समाधि का अनुभव होगा, और उसके बाद ये भी मतलब ज्ञान मार्ग में जाएंगे आपको ज्ञान मिलेगा, है ना, भगवान का ज्ञान मिलेगा। लेकिन भक्ति में भक्त क्या करते हैं ना, जब भगवान के पास जाते हैं अपने अपने आप को भगवान के शरण में ले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं मेरे को क्या जो भी है ना अच्छा है, मेरे लिए भला है, मेरे भलाई के लिए उसको दे दो। वो मतलब भगवान को छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान को क्या समझते हैं भक्त, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरा माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। ये भक्त के भाव है। इसलिए जब माता पिता जानते हैं बच्चे को क्या चाहिए, छोटा बच्चा है उसको क्या भूख लगी है या कुछ भी, माता जानती है वो बच्चे को। मतलब फिर ये करो, क्या करते हैं बच्चा रो लेता है, जैसे ही रोता है फिर माता को पता है अभी इसको नींद आई है, अभी इसको भूख लगी है, जो भी है माँ दे देती है। सिर्फ उनको क्या करना, माँ माँ बोल के वो रोता है, शरणागति है। और वो बच्चा क्या करता है, माँ को ऊपर छोड़ देता है, उनके जो भी जरूरत है माँ उसका पूरी करती है। वैसे ही भक्त क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मेरे को ये दो वो दो, ऐसा भी नहीं। कोई प्रार्थना करे तो भक्ति दो, वैराग्य दो, तुम्हारे चरण में जो मेरे मन लगे वैसे करो, सिर्फ यही भक्ति का ही प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, और कुछ नहीं है। ये भक्ति का विशेषता है, यही बात नारद जी कह रहे हैं। और इसी बात को जैसे हमने नवदा भक्ति के बारे में मैंने बताया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति जो है इसको अध्यात्म रामायण में और एक तरीके से बताते हैं। जो कैसे ये करना, आप मतलब रामायण में आप देखिए, आप हम सब जानते हैं जब वनवास में गए थे श्री राम जी, और उसके बाद वहाँ पंचवटी में रहते हुए वो रावण आके सीता का हरण कर लेते हैं, और उसके बाद सीता को ढूंढते ढूंढते जाते हैं, और रास्ते में वो मतंग मुनि का आश्रम मिलता है, वहाँ पर शबरी शबरी श्री राम जी के लिए प्रतीक्षा करके बैठी है। और जब वहाँ जो जाने के बाद है ना, उसमें वो मतलब राम जी को जो भी खाने के लिए वो फल वो सब देती है, और वो सब खाने के बाद फिर
शबरी कहती है मैंने आपके प्रतीक्षा में हूं, मेरे को उपदेश दो। फिर श्री राम जी उस समय उपदेश देते हैं उनको भक्ति कैसे करना, भगवान के भक्ति कैसे करना। उसमें कहते हैं सताम संगत रेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। जैसे हम नवधा भक्ति कहा, यहां 10-11 ये है इसमें, उसमें देखिए कैसे है, सताम संगत रेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। भक्ति मार्ग में पहले साधन क्या है, सताम संगति, सत्संग, सत्सांगत्य, सत्संग जो है वो पहला है। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, क्योंकि है ना सत्संग जो है उसका विशेषता क्या है, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ वहीं से होता है, सत्संग से। सत्य के जो संग, सज्जनों के संग जो है, वहां से आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि किसी को मतलब वो भाव अंदर आना चाहिए ना, वो कहां से आती है, सत्संग से होता है, सत्संग से। सत्संग मतलब क्या है, जैसे एक जलती हुई दिया, दूसरी दिया को जलाने के लिए हमारे हाथ में जलती हुई एक दिया चाहिए। ये सत्संग मतलब ये सज्जन कौन है, भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान के मतलब सान्निध्य का आनंद लेते हैं, सदा स्मरण करते रहते हैं, उनके ही ये करते हैं, महात्मा है। इसलिए उनमें क्या है, भगवान के भक्ति, जलती हुई भगवान की भक्ति है उनमें। जब हम उनके पास जाएंगे, उनके संग करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके बातें सुनेंगे, उनके उपदेश सुनेंगे, तब क्या होता है, हमारे मन भी भक्ति का दिया जलती है। इसलिए सताम संगति रेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। सत्संग जो है वो पहला है भक्ति मार्ग के लिए, पहला ये कदम क्या है, भक्ति, ये सत्संग, सत्संग, सत्संग। हम जानते हैं जो भी श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़े हैं, कितने बार बोलते हैं श्री रामकृष्ण, सत्संग सत्संग सत्संग, है ना, बीच बीच में जाओ सत्संग करो, सत्संग करो। जब हमारे परिवार में जो काम करते हैं, संसार में जब रहते हुए अपने काम में जब रहते हैं ना, उस समय हम भूल जाते हैं भगवान को, फिर क्या करना चाहिए, बीच बीच में जाकर सत्संग करो, तब क्या होता है, फिर याद में होता है हमें, और भगवान को पुकारने के लिए फिर हमें उत्साह मिलता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग, सताम संगति रेवात्र, सभी महात्मा बोलते हैं सत्संग के बारे में। इसलिए राम जी शबरी को कहते हैं पहले क्या है, पहले कदम क्या है, वो सताम संगति रेवात्र, सत्संग, और उसके बाद द्वितीयम मत कथालाप, और दूसरा क्या है, दूसरा है मत कथालाप, भगवत कथा उसको सुनना, जैसे हम श्रवणम है ना सुन रहे थे, भगवत का जो भगवान का जो बातें उसको सुनना। जब महात्मा के पास हम जाते हैं, महात्मा लोग क्या करते हैं, उपदेश मतलब कोई अपना कुछ नहीं बोलते, जो भगवान से सुने, अपने गुरु से सुने, वही बातें हमें कहते हैं, है ना, वही बातें कहते हैं। इसलिए भगवान के बारे में बातें करते हैं, मत कथा आलाप, भगवान के जो बातें उसको सुनना, आलाप, आलाप करना, क्या मत कथा, मत मतलब भगवान, भगवान के बातें उसको आलाप करना, सुनना। तृतीयम मद्गुणेरणम, भगवान की गुण का कीर्तन करना, भगवान की गुण की कीर्तन करना, ये तीसरा हुआ मद्गुणेरणम। और उसके बाद व्याख्यातृत्वम च मद्वचसाम, चतुर्थम साधनम भवेत। उसके बाद क्या करना चाहिए, और एक तरीका है, क्या, भगवान के जो वाणी जो है उसको व्याख्या करना, उसको व्याख्या करना, कैसे, मानो भगवद गीता है, भगवद गीता को पढ़ें, भगवान की वाणी है, और जब उसको समझाना, समझाने से मेरा क्या होता है, ये बहुत सुंदर बात है। देखो जो है ना, जो जब हम सत्संग में बैठते हैं ना, सत्संग में बैठते हैं, हम क्या समझते हैं, मतलब जो भी हम सुनते हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका प्रयोजन हो रहा है। लेकिन जो सत्संग कर रहा है, जो भी बता रहे हैं, उनको भी उसका ये होता है, आपको पता है, यही है ना व्याख्यातृत्वम च मद्वचसाम, ये भी एक साधना है।
साधन का हिस्सा है। मतलब भगवान के जो वाक्यों का वाणियों को दूसरों को बताना वो भी एक साधना है। जब मैं था ना, एक ब्रह्मचारी था, मतलब संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी मेरा, उस समय मैंने एक आश्रम में मेरा ट्रांसफर हुआ, वहाँ गया, एक बहुत सीनियर स्वामी जी थे, उन्होंने बताया एक बार क्या हुआ, मतलब ये सत्संग होता है ना, सत्संग में मेरे को उन्होंने बताया तुम एक घंटा, भक्त लोग आते हैं उनको ये प्रवचन देना, प्रवचन करना। मैंने बताया अभी भी संन्यास भी नहीं हुआ मेरा, मेरा ज्ञान कितना है, मैं तो कुछ ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होने पा रहा। फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं वैसा नहीं, एक काम करो तुम जो भी इतना दिन है ना आपने गुरु से गुरुजनों से जो भी सुना है वही बात बताओ, अपना तो थोड़ी होती है, भगवान की बात सुनाओ। और ये सब करने के बाद उन्होंने मेरे को एक बात बताया, उन्होंने देखो एक बात सब समय याद रखो, तुम जो भी बोलोगे ना और लोग सुनेंगे और कितने याद रखेंगे कितने जीवन में ला सकेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये बोलने के लिए तुम जो तैयारी करते हो उसके बारे में ध्यान करते हो उसके बारे में चिंतन करते हो ये सब करना पड़ता है। वैसे तो थोड़ी होती है, मतलब बैठ गया और बोल दिया ऐसा नहीं तो नहीं होता है, इसमें तुम्हारा समय बीतता है ना, ये जो इसमें निधिध्यासन जो होता है इसके बारे में तुम ध्यान करते हो, उठते बैठते इसी मतलब जो अपने इसमें मस्तिष्क में वो चलता रहता है, इसका जो बेनिफिट जो है इसका लाभ तुम्हें जरूर होता है। जो सुनेंगे उसका फायदा मिलता है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन जो तुम बोल रहे हो तुम्हें इसका फायदा जरूर मिलता है। यू आर द फर्स्ट बेनिफिशियरी, वो कहते हैं मतलब दूसरों का भलाई का होगा या नहीं हो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भलाई तो जरूर होगा। व्याख्यात्र तुम च मद्वचसा, इसलिए जो भी व्याख्या करते हैं उसको ये याद रखना होगा। भगवान भी बताएं, श्री राम जी कहते हैं जो ये भी एक साधना है, साधना का हिस्सा है ना, अपने साधन जो है उसका हिस्सा है। व्याख्यात्र तुम च मद्वचसाम, इसलिए जब भी जहां भी ये बताना पड़ेगा उस समय कैसे रहेंगे, जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं ना या भगवान की पूजा करते हैं उतना ही पवित्र है ये, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं वो पवित्र है हमें पता है, वैसा ये भी है क्योंकि वो भी एक साधना हिस्सा है, ये भी साधना का हिस्सा है। इसलिए उस भाव से करो, व्याख्यात्र तुम च मद्वचसाम, साधना का हिस्सा है ये व्याख्यान जो देते हो वो भी चतुर्थम। और उसके बाद आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्ध्या अमायया सदा, आचार्य उपासनम, आचार्य मतलब गुरु, और आचार्य जिससे हम ना ये भगवान के बारे में सुनते हैं ये सब करते हैं उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब कौन है, जो आचरण करके बताते हैं, किताब पढ़ के और उसके बाद ये करने वाले पंडित लोग हैं, पंडित लोग हैं ना, भागवत रामायण ये सब पढ़ते हैं उसको ये करते हैं, लेकिन उनमें और आचार्य में क्या फर्क है, जो भी वो पढ़ते हैं जो भी सुनते हैं उसको अपने जीवन में आचरण करके बताते हैं उनको आचार्य कहते हैं, आचरण करके जो बताते हैं उनको आचार्य कहते हैं। श्री रामकृष्ण इसके बारे में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं आचार्य कैसे होते हैं। ये किसी ने श्री रामकृष्ण से मतलब वो इसे बात चल रहा था और उस समय श्री रामकृष्ण एक कथा ना एक स्टोरी बताते हैं, किसी एक गुरु के पास है ना एक माँ क्या की अपने एक बेटे को लेकर गई, वो बेटे ने क्या करता था, गुड़ खाता था, गुड़ खाने का शौक था बहुत, सब समय गुड़ खाते रहेगा। फिर घर में सभी बताए उनको देखो गुड़ मत खाओ क्योंकि ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ठीक है लेकिन सब समय दिन रात वो भी खाते रहोगे क्या होता है पेट खराब हो जाएगा ये सब होंगे, लेकिन सुनेगा नहीं। फिर वो माता ने क्या किया, इस गुरु के पास लेके गई और गुरु के पास गई और गुरु ने गुरु के पास जाके बताई देखो ये बेटा है बहुत गुड़ खाता है लेकिन जितना भी बोलो सुनता नहीं, आप कुछ बताइए आपके बात सुनने से कम वो ये करेगा। फिर गुरु ने क्या किया, अच्छा एक काम करो 15 दिन के बाद आ जाओ, उसको 15 दिन के बाद लेके आओ। फिर गई
15 दिन के बाद आई उस, है ना, वो बेटे को लेके आई माता ने। फिर उन गुरु ने बताया, देखो ये गुड़ खाओगे ना पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा खाओ ठीक है लेकिन दिन रात वही खाते रहोगे क्या होगा, उतना मत खाना, वो तुम्हारे तबीयत के लिए ठीक नहीं है, छोड़ दो। बस वो माता ने क्या किया, इस लड़के को उस तरफ जाके बाहर थोड़ा वो खेलने के लिए छोड़ के फिर गुरु के पास आई अंदर। अच्छा जी मैं तो 15 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं, आप तो उसी दिन ये बात बोल सकते थे, 15 दिन के बाद फिर ये चक्कर क्यों लगवाया तुमने आपने। फिर उस गुरु श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो गुरु ने बताया, देखो जब आई थी ना उस दिन मेरे कमरे में गुड़ का ये रहता डब्बा, है ना, क्योंकि मैं भी बीच बीच में खा लेता था, अब देखो इसको बताना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, अब गुड़ खाना छोड़ दिया मैंने। उसको बताने के लिए क्या करना चाहिए, पहले मेरे तो चोटना चाहिए ना, उसके बाद ही उनको बताने का उनको कहने का अधिकार मुझे होता है, नहीं तो कहां से। इसीलिए मैंने छोड़ दिया 15 दिन से गुड़ का भी नहीं खाऊंगा, बस इसीलिए आप उनको बताए देखो वो नहीं खाएगा। ये है आचार्य, आचार्य है ना, ये आचार्य का विशेषता है। वो क्या करते हैं आचार्य, आचरण करके उसके बाद बताते हैं, उपदेश देते हैं, मतलब कहीं किताब में लिखा है मैंने बोल दिया ऐसा नहीं, उसको आचार्य कहते हैं। इसलिए वैसे आचार्य लोगों का आचार्योपासनम, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा कैसे करना, आचार्य सेवा, उसको करने का तरीका भी बताते हैं राम जी। आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्ध्या, उनमें भी मैं ही निवास हूं, मतलब उनके अंदर भी वो भी भगवान बसे हैं, इस भाव से अमायया, उनको व्यक्ति रूप से मत लेको। कभी कभी हो जाता है ना, मेरा गुरु है मेरा गुरु, इतना बड़ा कर देते हैं हम, मतलब उसी बात को ना बहुत, मेरे गुरु मतलब जब मेरे गुरु शुरू हो गया और सबसे बड़ा है मेरे गुरु, सबसे श्रेष्ठ है मेरे गुरु, इससे क्या होता है ना, ये भी एक तरीके का माया हो जाती है, अमायया। क्यों, क्योंकि भगवान के एक रूप है, उनको भगवान के एक रूप मान के उस भाव से उनकी सेवा करो, उसमें माया नहीं होना चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बंधन के कारण नहीं होना चाहिए। अमायया भगवान आचार्य का उपासन जो है अमायया सदा। और इसके बाद पंचमम पुण्यशीलत्वम यमादि नियमादि च, पुण्यशीलत्वम, अपना आचरण जो है वो ठीक ठीक से होना चाहिए। यम और नियम ये दोनों के बारे में कहते हैं। यम क्या है, इंद्रिय निग्रह, यम मतलब अंतर इंद्रिय निग्रह, नियम बाह्य इंद्रिय निग्रह, जीवन करने का एक तरीका है। जब हम कुछ ये चाहते हैं मतलब मांगते हैं अपने के लिए, अपने के लिए जितना जरूरत है उतना लेंगे, हर एक चीज में एक निग्रह होना चाहिए, मतलब कुछ मिल गया और खाते रह गया ऐसा नहीं, मेरे पेट भरने के लिए जितना जरूरत है उतना खाना। वैसे ही नियम, मन को भटकता रहता है मन इधर उधर, और जितना भटकता है उतना अशांति होती है मन, उस मन को थोड़ा नियंत्रण में रखना, कैसे, भगवान के चरण कमलों में रखो, नहीं तो कोई ठीक अच्छा काम करो, काम में लगाओ, ये मन का नियम है। यम और नियम ये दोनों है ना, इसके इस कारण से क्या होता है, आचरण, उनका आचरण अच्छा बनता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में ये भी बहुत जरूरी है आचरण, यम नियम जो है ना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ना लोग ये समझते हैं, अच्छा मंदिर में जाते हैं इतने लोगों को खाना खिलाते हैं, मतलब भक्त लोगों को इतना पैसा खर्चा करते, कितने बड़े भक्त हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब सभी के बारे में नहीं बता रहा हूं, कभी कभी होता है मतलब ये सब करते हैं लेकिन बाहर आके ना दूसरे ही उनका ये रहता है, मतलब बर्ताव और दूसरा रहता है। मैंने आपको बोला होगा एक कहानी, मतलब एक है ना एक इंसान बहुत बड़ा ये था, बिजनेसमैन था मेंटली,
और उसका एक ये किराना है ना, उसका दुकान था। वो मतलब एक दिन क्या, मेरे जैसे एक स्वामी जी कुछ ये कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, वहां गया। वहां जाने के बाद स्वामी जी ने क्या बताया, देखो इस दुनिया में परमात्मा जो है हर एक के अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है, हर एक जानवर के अंदर है। और ये जो एंट्स जो है, चींटी, उनके अंदर भी परमात्मा है। ये सुन गए ये बिजनेसमैन, उनके अपने हिसाब से उन्होंने समझा उसको। फिर उन्होंने क्या किया, अगले दिन शाम को घर गया वो, मतलब चींटी को है ना ये शक्कर खिला रहा है। उनके जो पड़ोसी जो है उसको देख के बहुत आश्चर्य हो गया, बहुत कंजूस था, मतलब कोई एक बिना मतलब कोई एक पैसा खर्चा करने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति जाके चींटी को ये शक्कर खिला रहा है ना। वहां पर एक लाइन चल रहा था, उसमें सबको मतलब खिला रहा है। अरे अरे क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया, देखो कल मैंने प्रवचन सुनने के लिए गया था, वो स्वामी जी है ना, बड़े स्वामी जी, वो स्वामी जी कह रहे थे देखो भगवान जो है सबके अंदर है, सबके अंदर है, और जब ये सबके अंदर है ना, उनकी सेवा करना चाहिए। मैंने क्या किया, आज जब शॉप में गया, थोड़ा सा तीन चार लोगों को जो ये आते हैं ना, कस्टमर्स आते हैं ना, उनको थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया मैंने। फिर देखो सिर्फ तीन चार लोगों को मैंने ये किया, चीट किया मैंने, लेकिन अब देखो हजार चीटी हैं, उनको मैं खिला रहा हूं। इसका मतलब हर एक के अंदर परमात्मा पैसा है ना। सिर्फ चार को मैंने चीट किया और ये हजारों को मैं खिला रहा हूं, उनको आनंद दे रहा हूं। इसलिए कितना भक्ति ये हो गया मेरा, देखिए है ना। क्योंकि ये जो आचरण जब ठीक नहीं होता है ना, तब सोच ऐसा बन जाता है। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में आचरण बहुत जरूरी है। किसी एक व्यक्ति को ये करोगे मन में वो भाव है ना, वही गलत है। ऐसा जब तक वैसा रहेगा, किसी को मतलब हानि पहुंचाने का, किसी को चीट करने का, असत्य बोलने का भाव मन में रहने से भी वैसे मन में भक्ति नहीं रहेगा। इसलिए यम नियम के बारे में कहते हैं, है ना, यम नियम के बारे में कहते हैं। इसलिए यहां श्री राम जी कहते हैं ये पुण्यशीलत्वम यमादि नियमादि च, अपने शील अपने बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए, पुण्यशीलत्वम ये ना यमादि नियमादि च। और उसके बाद निष्ठा मत्पूजने नित्यम षष्ठम साधन मीरितम। निष्ठा मत्पूजने, भगवान की पूजा में निष्ठा, जब साधना करते हैं। पूजा अलग अलग तरीके का होता है, कई कई लोग बैठ के जप करते हैं, कई कई लोग ध्यान करते हैं, कोई कोई लोग सहस्रनाम पारायण करते हैं, अपने एक नियम रखते हैं, एक निष्ठा रखते हैं। रोज ललिता सहस्रनाम पारायण करेंगे कोई बोलते हैं, और कोई बोलते हैं रोज मैं रुद्र का ये करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ। अरे इससे कोई ना कुछ ना कुछ ना अपने आप में नियम होता है, ये निष्ठा रहना चाहिए। इसमें ना एक निष्ठा रहना चाहिए, निष्ठा सहकार से रोज इतने समय तक मैं करूँगा, है ना। जब करोगे उसको रोज करना चाहिए, ये भी एक साधना है। निष्ठा मत पूजने नित्यम षष्ठम साधन मीरितम मंत्रोपासकत्वम सांगम सप्तमम उच्यते। भगवान के जो मंत्र जो है, सांगम मतलब क्या है, जैसे है ना जो भी उपदेश मिलता है, मंत्र मतलब मरणात्रायते इति मंत्र, जिसको ये करोगे उसका एक नियम है। क्या है, गुरु से मंत्र लेना है। जब गुरु से हम लेते हैं, गुरु उसका जो मंत्र जाप करने का एक तरीका बताते हैं, उपासना कहते हैं। इसलिए उसका मम मंत्रोपासकत्वम सांगम, वो भी एक साधना है। गुरु से जब मंत्र लेते हैं, गुरु कहते हैं देखो सुबह शाम बैठ के ये सब करना होगा, तरीका बताते हैं, पहले क्या करना, दूसरे क्या करना,
कैसे गुरु को स्मरण करना, गुरु के ऊपर ध्यान करना और भगवान के ऊपर कैसे ध्यान करना, कितना जाप करना, ये सब एक इसको बताते हैं, उसको उपासना कहते हैं। उसको है ना, मम मंत्रोपासकत्वम सांगम सप्तमम उच्यते, वो भी एक साधना है, भक्ति साधना में एक हिस्सा है, वो भी एक हिस्सा है, वैसे भी कर सकते हो। और उसके बाद मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः, सर्वभूतेषु मन्मतिः, मतलब भगवान को जो है हरेक के अंदर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शेरजुन तिष्ठति, श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, हर एक के अंदर वो भगवान के वास है। जो राम दशरथ की बेटा घट घट में लेटा, हर एक के अंदर है वो राम, राम जी। और इस भाव से, इस भाव से सर्वभूतेषु मन्मति मद्भक्तेषु अधिका पूजा, मतलब ये जो भक्त विशेष हर एक के अंदर भगवान है, और विशेष करके भगवान के भक्तों में, क्योंकि हम जानते हैं भगवान ये भी बात कहते हैं, ये जो है ना, जो भी मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भागवत में ये बात है, मतलब जो भक्त मेरे को ये कहते हैं, मैंने उनके हृदय में मैं बैठता हूँ, मैं बसा, मेरा वास है। इसलिए भक्तों में भगवान की विशेष आविर्भाव है, इस भाव से उनकी सेवा करना। सर्वभूतेषु मतलब जिसका भी सेवा करते हो हर एक के अंदर वो भी है, इसलिए भगवान की पूजा कर रहा हो इस भाव से करना, और विशेष करके भगवान के भक्तों में उनके ये ज्यादा है, भगवान ज्यादा वहां प्रकट होते हैं, इसलिए उस भाव से करो। उसके बाद बाह्यार्थेषु विरागित्वम समाधि सहितम तथा अष्टमम, वो क्या है, बाह्यार्थेषु विरागित्वम। अब देखो, जब एक भक्त होता है, भक्त के जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की उपासना करना, भगवान की भक्ति करना। अब इस मार्ग में जो भी उसको सहायक बनता है उसको आचरण करते हैं, और जो भी बाधक होते हैं इसमें, है ना, अपने को ये भटकाता है, वो सब चीज को छोड़ना। विरागित्वम बाह्यार्थेषु विरागित्वम, इसको छोड़ के मन को जो भटकाता है भगवान के मार्ग से, वो सबको छोड़ देना, वो सबको त्याग करना, वो भी एक साधना है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, मतलब ध्यान करना चाहते हैं और भक्ति कर, ये भगवान के स्मरण करना चाहते हैं, मन इधर उधर भटकता है। क्यों भटकता है? कई चीजें हम करते हैं उसके प्रभाव से मन इधर उधर भटकता है। तब क्या करना होगा? ये तो मन, मेरा मन को भटका रहा है, इसलिए इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा। मानो कोई एक टीवी सीरियल देख रहा है, और जब ध्यान में बैठते हैं मन को भटकाता है, फिर क्या करना चाहिए? उसको छोड़ना चाहिए, वो तो जरूरी नहीं है जीवन में, वो नहीं होने से हम रह सकते हैं। ऐसे सब चीजों को जो भटकाता है मन को, उसको छोड़ना है, उसको क्या करते हैं, बाह्यार्थेषु विरागित्वम समाधि सहितम तथा शम दम उपरति तितिक्षा, ये सब है, इसको है ना, ये सहारा लेके बाह्यार्थेषु विरागित्वम, वैराग्य जो है उसको अपने करना होगा। वैराग्य का मतलब क्या है? साधना में दो तरीका है, एक अभ्यास है, एक वैराग्य है। अभ्यास मतलब जो भी भगवान के ओर ले जाने के लिए हमारे मन को तैयार करता है, भगवान के चरण कमलों में रखने के लिए जो भी है उसको बार बार करते रहना, उसको अभ्यास कहते हैं। और जो भी हमारे मन को भटकाता है भगवान के मार्ग से, उसको छोड़ देना, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य तुम जो भी भटकाता है मन को, उसको छोड़ देना। और समाधि सहितम तथा नवमम तत्व विचारो मम भामिनी, उसमें नवधा भक्ति जो है, इसमें नवमम क्या है, तत्व विचार। तत्व मतलब भगवान, भगवान का जो तत्व है उसको विचार करना। इसका मतलब क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब संसार में रहते हो बीच बीच में विचार करो। विचार क्या है? कौन से सत्य है, कौन सा मिथ्य है, शाश्वत क्या है, शाश्वत क्या नहीं है, ऐसे सोचना चाहिए। जो भी है ना,
एक बार वो रामायण में एक ये आती है, वो हो गया मतलब राम, ये रावण का अंत हो गया और उसके बाद राम जी आ गए, हम सब सुनते हैं ना, वो ये कहते रहते हैं। और जब अयोध्या में उनका पटाभिषेक हुआ और उसके बाद सीता जी को हनुमान जी जितना ये सेवा की उन्होंने, उसको कुछ विशेष उपहार देने का इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने एक रत्न हार दे के हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी क्या किया, वो लेके उसको मुंह से ये कर रहे हैं। किसी ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो, इतना अच्छा रत्न हार है उसको खराब कर रहे हो तुम। फिर उन्होंने बताया, मैंने देख रहा हूं इसके अंदर राम जी का नाम है या नहीं, जो भी मैं चाहता हूं मेरे लिए वो राम जी का नाम होना चाहिए, वो नहीं तो नहीं। जब भक्त को ये तत्व विचार करना है, जो भी मैं कर रहा हूं ये मेरे भगवान को और ले जा रहा है या नहीं, जो भी ले जाएगा उसको मैं करूंगा, जो भी नहीं ले जाएगा उसको मैं छोड़ दूंगा। तत्व विचार, तत्व मतलब वो भगवान का तत्व जो है उसके बारे में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नवमम। इसलिए ये इसमें देखिए ये है, कोई एक को पकड़ो और एक में मन नहीं लगा, दोनों को पकड़ो और तीनों को पकड़ो, सबकी करो, कहीं ना कहीं तथा केनाप्युपाये न मन कृष्णे निवेशयेत, कोई एक उपाय से भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाओ, ये भक्ति मार्ग का सुलभता है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति मार्ग में एक ये विशेषता है, साधना में इतना सुविधा है, एक न एक पकड़ के उसको रहो, और एक में अच्छा नहीं लगा दूसरों को पकड़ के रहो, है ना, कोई ना कोई एक मार्ग से कहीं ना कहीं हमारे मन को भगवान के चरण कमलों में रखना, ये भक्ति मार्ग का विशेषता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति मार्ग में ये एक सुलभता है, सुलभ से लाभ होता है, क्योंकि साधना करते हुए भी इतना सब हमें प्रावधान है, कोई भी एक या दो या तीन या सब सबको लेके कहीं ना कहीं हमारे मन को भगवान के चरण कमलों में रखना है, इसलिए भक्ति उसका सुलभता के बारे में नारद जी कहते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।